देखो बीच, मैं तो बीच के ऊपर आ गया हूँ और बहुत मजा आ रहा है। और आप बीच का नजारा देख सकते हो मेरे पीछे और बहुत ब्यूटीफुल शानदार। सो गाइस, एक बार फिर मैं दुबई मरीना पहुंचा हूं। तो वापस वही DMCC मेट्रो स्टेशन पे उतर के फिर पैदल वाला रास्ता पकड़ लिया, नज़दीक में है। और यहां पे है ना, मैं नाइट में आया था, दिन में कभी भी नहीं आया। तो इस बार ट्राई करता हूं दिन में आने के लिए, और दिन में मैं आ गया और मैं अभी जा रहा हूं बीच की ओर। और दिन का नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं है ना दिन में आ गया। कि और सही बताऊँ यार, मैं सनग्लासेस भूल गया हूँ, तो मेरी तो आंखें बंद हो रही है क्योंकि गर्मी चालू हो गई है ना अभी, तो गर्मी की वजह से। लेकिन यार सही है, ये नज़ारा है ना देखने लायक रहता है। और मैं ना कभी भी यहाँ पर आया नहीं था, तो सोचा इस बार आ जाऊँ। यार सही में मैं सनग्लासेस भूल गया और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बिना सनग्लासेस। यार बहुत धूप लग रही है, आंखों पे आ रहा है सब, फिर भी यार मस्त वे है। अरे यार नीचे जाना था, मैं ब्रिज के ऊपर आ गया, नीचे जाता तो सही रहता। चलो दिखा देता हूँ पूरा व्यू आपको यहाँ का, दिन में कैसा रहता है। नाइट में तो यार यहाँ पे है ना पूरी लाइटिंग और ये सब रहेगा। और मैं नाइट में भी बहुत बहुत बार, मतलब दो बार आया हूँ, लेकिन दिन में मुझे देखना था ये चीज़, इसीलिए मैं दिन में आया। नाइट में ये पूरा रोशनी हो जाता है पूरा, यानी इसका लुक और नज़ारा कुछ डिफरेंट ही रहता है। देखो दिन में आपको दिखा दूँ, ये देखो ये है दुबई मरीना। और यहाँ से योट, आपको प्राइवेट योट चाहिए जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाती है। तो मुझे यार नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऊपर आ गया। ये देखो यहाँ का नज़ारा, लुक एट दिस, और बहुत ब्यूटीफुल शानदार। मैं ना लास्ट टाइम वो ब्रिज से गया था, और इस बार है ना मैं ये वाला ब्रिज पे आया यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है ना वहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आना था। तो लास्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था। और आपको बता दूँ यहाँ पे यॉट पार्टी चलती है। ये देखो नीचे, तो जब भी दुबई आओ तो मरीना तो जरूर आना एक बार। ये देखो मैं यहाँ से आया पैदल, और यहाँ पे ये देखो तो गाइज मैं पहुंच गया हूं अभी ब्लाबला, जहां पे नाइट क्लब है। और रात को मैं आया था उस दिन, आपने मेरा वीडियो देखा है और बहुत सारे लोगों ने है ना वो वीडियो देख के यहां पे आए भी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पहुंच गया हूं ब्लाबला के पास, दिखा देता हूं आपको ब्लाबला कहां पे है। ये देखो बेस्ट क्लब है यहाँ का ब्लाबला, ये ब्लाबला क्लब है। मैं यहाँ पे रात को आया था, और उसके पीछे दुबई आई जो आप देख रहे हो। और यहाँ से है ना, यहाँ से बीच में जाने का रास्ता है, और वहाँ से भी रास्ता था। देख लेता हूँ अभी चालू है कि नहीं है। रास्ता बंद है शायद, इज देयर वे, यस यहाँ से है ना रास्ता तो है जाने का। तो ये शॉर्टकट रास्ता है जाने के लिए बीचिस पे, और ये रहा ब्लाबला क्लब। वाह,
चलो इधर से ही निकल जाता हूँ। ये है बीचेस पे जाने के लिए। सो एक बार वापस मैं बीच पे तो पहुँच गया, शॉर्टकट रास्ता मार लिया, शॉर्टकट रास्ते से आ गया बीच पे। और सामने है ना बीच है, और बीच बहुत ही खूबसूरत, मतलब दुबई का बीच मतलब सबसे खूबसूरत बीच, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और मैं है ना दिन में आया इस बार, पहले है ना मैं रात को आया था, बट इस बार है ना मैंने टाइम निकाल के दिन में आया। रात को आओगे तो रात को यहाँ पे पार्टी वगैरह सब स्टार्ट रहता है, चालू रहती है, और मुझे है ना दिन में आना था तो मैं इसके लिए दिन में आया। तो अभी है ना मैं सामने बीच पे जाऊँगा और बीच के बाद उधर जाऊँगा। ये देखो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ दुबई के बीचेस के ऊपर, और ये सामने जो है दुबई आई। ये देखो यार ब्यूटीफुल प्लेस है। ये देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये है हेलीकॉप्टर राइड यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत बीच है यहाँ का। यहाँ पे है ये हेलीकॉप्टर राइड अवेलेबल है, और ये सामने है वो है दुबई आई। ये देखो तो यहाँ से ना घूम के जाना है, ये पूरा घूम के मुझे जाना है यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज मैं तो बीच के ऊपर आ गया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, और वहाँ पे सामने है ना दुबई आई है। यार मुझे वहाँ जाना है, मैं कितनी बार आया लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाया। और आप बीच का नज़ारा देख सकते हो मेरे पीछे, सब लोग नहा रहे, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और मैं, मुझे भी है ना वहाँ से, ये एक्चुअली वहाँ से घूमते 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 वहाँ पे जाना है, तो यार थोड़ा लंबा वे है, तो ऐसे घूम के मैं जाऊँगा वहाँ पे। और ब्यूटीफुल प्लेस है यार। तो गाइज मैं भी है ना बीच से है ना थोड़ा वो साइड में घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बीच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बीच है। और बीच में ना यहाँ से घूमते 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 वो साइड से घूमते हुए आप जा सकते हैं। और मेरे पास है ना एक्चुअली टाइम नहीं है, आज बहुत कम टाइम है, बहुत कम मतलब बहुत कम टाइम है, तो मैं फिर भी है ना एक घंटे जितना टाइम है, एक घंटे में मैं जितना कैप्चर हो सकता है, क्योंकि एक घंटे के बाद मुझे एयरपोर्ट भी पहुँचना है, और एयरपोर्ट पर जाके फिर मुझे जाना है रिटर्न बैक टू माई कंट्री। तो यार मैं भी थक गया हूँ, पैदल चलते चलते तो पूरा थक गया मैं, और मैं अभी जाऊँगा आगे की साइड में। और फिर ये देखो हेलीकॉप्टर रखा हुआ है यहाँ पे, राइड लेना है तो। ये देखो एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और ये बीच का नज़ारा, ये देखो ये है बीच, कितनी सारी राइड है यहाँ पे, और ये जेट स्की है, ये देखो बीच बेस्ट वे है। और वहाँ पे मैं हर बार आया लेकिन वहाँ तक जा नहीं पाया, वहाँ तक मुझे जाना है बट मैं ना वहाँ पे जा नहीं पाया कभी भी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, और बहुत चल के जाना हुआ है, वहाँ से चलते चलते जाना है यार। मैं कब से यहाँ पे ना बीच का मज़ा ले रहा था। ये देखो
मैं ना जितनी भी बार आया ना वहाँ तक मैं जा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे है ना जाने का रास्ता कुछ डिफरेंट है जाने के लिए। और मैं जितनी भी बार आया ना यहाँ तक आया, और ये पीछे बीच का नज़ारा तो देखो यार, मेरे को भी नहाने का मन हो रहा है, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरी फ़्लाइट है, तो मैं रिटर्न बैक जा रहा हूँ अपनी कंट्री। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, और कम टाइम में मैं है ना यहाँ पे आ गया। ये देखो सब लोग कैसे मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब। सो गाइस, मैं अभी रिटर्न बैक जा रहा हूँ, और मज़ा आ गया बीच के ऊपर। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का बहुत ही कुछ अलग ही मज़ा है। तो चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और यार सही में बीच यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें यार, वापस रिटर्न बैक भी तो जाना है अपनी कंट्री। तो अभी 1 घंटे का ही टाइम था मेरे पास, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब भी आऊँगा तो बाकी का जो भी प्लेस है वो एक्सप्लोर करूँगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर अगर आप लोगों को मेरे साथ में दुबई आना है, सबसे चीप वे यानी सबसे सस्ता एकदम बजट टूर प्लान करके, तो आप मुझे कमेंट करना। जिसको भी आना है मुझे कमेंट करना, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपको कॉल बैक करूँगा। और जब मेरा पूरा ग्रुप बन जाएगा, हम लोग साथ में आएंगे, और इतना ब्यूटीफुल प्लेस मैं आपको यहाँ पे विज़िट करवा सकता हूँ। ये कोई मैं टूर एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही टूर सब मैनेज करता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी 5 से 6 मेंबर्स आ गए हैं जो मेरे साथ आना चाहते हैं। तो आप लोग को भी आना है, आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर देना, तो नेक्स्ट ट्रिप आप लोगों के साथ में रहेगी। और दुबई बेस्ट प्लेस है नाइट क्लब एंजॉय करने के लिए, बट अभी ड्यू टू रमज़ान का महीना चल रहा है, तो काफ़ी सारे क्लब है ना बंद है। तो इस बार मैं क्लब में गया नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्लब है ना वो बंद है, मैक्सिमम क्लब बंद है, सिर्फ कुछ कुछ ही ओपन है, बट वो भी बहुत चार्जेबल है। तो ड्यू टू रमज़ान महीना, तो रमज़ान जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वापस मैं ट्राई करूँगा आने के लिए। और वो टाइम पे आपको नाइट क्लब, डिस्को, ये सब जो जो जगह है यहाँ पे, नाइट लाइफ, स्पेशली दुबई की नाइट लाइफ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखे ही होंगे सब नाइट क्लब और ये सब का, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम वापस मैं आऊँगा, और स्पेशली नाइट क्लब एंजॉय करने के लिए। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ मेट्रो पे, और जाके मेरा पैकिंग भी करना है, अभी तो बहुत सारा पैकिंग करने का बाकी है, तो पैकिंग वैकिंग सब ख़त्म कर देता हूँ, वापस यहाँ पे आ गए। ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे आसान तरीका, पैदल पैदल मेट्रो पे चले जाओ।